नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 28 जनवरी को बिहार में शपथ ग्रहण संभव है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में उथल पुथल का जो दौर है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई मैसेज जो है वो दिए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जो प्रमुख है उनकी तरफ से। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और आप देखिए पूरे अगर बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति को समझिए तो कुल MLA 243 हैं, जिसमें RJD के 79 हैं और JDU के 45 हैं। और इसके बाद अगर आप BJP की बात करें तो 78 हैं। तो ऐसे में सरकार बचाने और बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 का बनता है। तो क्या कुछ बिहार में होगा ये आने वाले समय में बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में उथल पुथल का जो दौर है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई मैसेज जो है वो दिए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जो प्रमुख है उनकी तरफ से। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और आप देखिए पूरे अगर बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति को समझिए तो कुल MLA 243 हैं, जिसमें RJD के 79 हैं और JDU के 45 हैं। और इसके बाद अगर आप BJP की बात करें तो 78 हैं। तो ऐसे में सरकार बचाने और बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 का बनता है। तो क्या कुछ बिहार में होगा ये आने वाले समय में बड़ा सवाल है।